गाइस आज अपनी बीस की सर्विस होने वाली है। अपनी बीस की सर्विस ड्यू हो चुकी है। अभी रखा हुआ है इसका इंजन ऑयल 1.7 लीटर डलता है गाइस, बट वो मेरे को बाहर कहीं मिला नहीं था तो मैं 2 लीटर ले आया। इस पे गाइस कचरा देखो, ये देखो इस पे कितना ज्यादा कचरा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो भाई पीछे खड़ी हुई बाइक और कुछ सामान भी रखा हुआ है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या ब्लॉग आने वाला है आज का। तो गाइस आज अपनी 20 की सर्विस होने वाली है, क्योंकि अपनी 20 की सर्विस ड्यू हो चुकी है। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो मीटर में भी दिखा रहा है सर्विस 0 किलोमीटर, मतलब सर्विस ड्यू हो चुकी है। 50 किलोमीटर के आसपास ऊपर ही चल गई है गाइस। तो आज इसकी सर्विस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या सामान रखा हुआ है। ये रखा हुआ है इसका इंजन ऑयल 1.7 लीटर डलता है गाइस, बट वो मेरे को बाहर कहीं मिला नहीं था तो मैं 2 लीटर ले आया। 1.7 लीटर इसमें डाल देंगे। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर और ये है इसका फ्यूल फिल्टर गाइस। ये सब मैं कंपनी से ही लाया हूँ और एक ये मैं लाया हूँ। ये नेसेसरी हो भी सकता है आपके लिए नहीं भी, बट मेरी बाइक के लिए था, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी बहुत मिस वगैरह कर रही थी, तो थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। देखो गाइस ऑयल लेवल भी आपको दिख रहा होगा कितना गंदा हो चुका है ऑयल, क्योंकि पूरी इसका किलोमीटर डन हो चुके हैं जितनी सर्विस होनी थी। तो गाइस इसका अभी मैंने वो पार्ट उतार लिया जो नीचे प्लास्टिक का पार्ट लगा रहता था कि सर्विस करने में इजी हो। तो सबसे पहले अभी इसका ऑयल ड्रेन करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है ऑयल की। सो गाइस ड्यूक में 3 जगह से ऑयल ड्रेन होता है। फर्स्ट तो गाइस ये है, ये वाला नट, इसे खोल के भी ऑयल ड्रेन होता है। और एक इसके नीचे दिख रहा होगा आपको सामने, ये वाला नट जो काफी गंदा हो रखा है। तो गाइस ये एक यहाँ से ऑयल ड्रेन होता है और तीसरा ऑयल फिल्टर से। तो गाइस हम सबसे पहले इससे करने वाले हैं। ये देखो हमने कैन भी लगा दिया अपना। गाइस देखो ऑयल ड्रेन होने लगा है। तो गाइस यहाँ से ऑयल ड्रेन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो अभी इसका यहाँ से स्टेनर निकालते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका स्टेनर, ये रहा गाइस। इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा गाइस, देखो इसकी रबड़ वगैरह कैसे या कचरा है क्या है, इसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। और ऑयल ड्रेन यहाँ से हो चुका है, आपको दिखाता हूँ अभी ऑयल की कंडीशन। सबसे पहले इसको क्लीन कर लूँ। तो गाइस अभी एक जगह से ऑयल ड्रेन हो चुका है, यहाँ से इधर से ऑयल हमने पूरा ड्रेन कर लिया जितना भी आया था। और गाइस ऑयल की कंडीशन देखो, पूरा ब्लैक हो चुका है गाइस, ऑयल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि पूरा किलोमीटर्स पूरा टाइम हो चुका था सर्विस का। अब सर्विस अपनी ड्यू हुई थी इसलिए गाइस देखो ऑयल की ये कंडीशन है। अब यहाँ से और ड्रेन करेंगे और फिर एक ऑयल फिल्टर से और ड्रेन करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब यहाँ से ड्रेन होगा, इसमें 18 नंबर का बोल्ट है, तो अब इसको लूज कर लेते हैं। ये देखो मैंने लूज कर लिया था इसको थोड़ा सा वैसे ही। गाइस अब यहाँ से ड्रेन करेंगे, कमी आएगा गाइस, एक जगह से निकल जाता है दूसरी जगह कमी आएगा, बाकी फिर भी अपने तीनों जगह से ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि 3 जगह से ड्रेन होता है इसमें, थोड़ा 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 तीनों जगह से आता है ऑयल। ये देखो गाइस ये इसका कुछ चैम्बर नट, अब इसमें भी स्टेनर है गाइस, देख वो भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा गाइस इसका स्टेनर है, ये देखो ये इसका स्टेनर है गाइस। इसको क्लीन करेंगे भाई, इसको पेट्रोल से क्लीन कर लेंगे, वो वाला छोटा था ये तो फिर भी काफी बड़ा है, तो इसको प्रॉपरली क्लीन ही कर लेंगे गाइस। अभी आपको इसको क्लीन करता हूँ और ऑयल की कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ से ज्यादा ऑयल आया अभी आपको दिखाता हूँ। इस पे गाइस कचरा देखो, ये देखो इस पे कितना ज़्यादा कचरा रखा है, तो इसको भाई हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा कचरा रखा है इस पे, तो इसको फटाफट से मैं क्लीन करता हूँ, इतना ऑयल भी ड्रेन हो रहा है, तो इसको प्रॉपरली वॉश करके आपको फिर इसके कंडीशन दिखाता हूँ उसके बाद। तो गाइस ये स्टेनर देखो, मेरे पास एक क्लीनर पड़ा हुआ था तो इससे कर रहा हूँ, ये देखना इसमें कितनी गंदगी निकल रही है। ये देखो अभी नीचे देखो भाई कितनी मिट्टी निकली है इससे भाई। इसको बस अब क्लीन हो चुका है, इसको लगा देंगे अब वापसी। ये देखो पूरा निकल गया है इसका, देखो भाई न्यू की तरह हो चुका है। अब इसको वापस इंस्टॉल कर।
सो गाइस देखो अपना सेनर बिल्कुल क्लीन कर दिया था मेरे पास जो स्प्रे पड़ा हुआ था। देखो इसके मैग्नेट्स वगैरह ना गाइस ये जल्दी से नहीं उतरते, तो ये आपको कपड़े से साफ करने पड़ेंगे। ये देखो बाकी पूरा प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, अभी से वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखो ये इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी जो पिन निकली है बाहर की साइड की आपको निकालने में इजी हो कहीं ऐसे कुछ लगता है। और इसके बाद अपने को अपना चैम्बर नेट लगा देना ये वाला, ये देखो गाइस ये नट अपना स्क्रू करके ऐसे ही गाइस। वो नीचे वाला फिल्टर भी कर लेते हैं, मेरे पास तब क्लीनर नहीं था, वो मैंने वाटर से ही थोड़ा सा साफ कर दिया था। अभी इसको दोबारा एक बार खोल लेता हूँ कि ढंग से क्लीन हो जाए, क्योंकि क्लीनर मिल गया है मेरे को, तो अब दोबारा उसको भी खोल लेते हैं। वो छोटे वाला स्टेनर है देखो, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। इसमें इतनी हालांकि इतनी मिट्टी नहीं थी, बट जब हो रहा है काम तो भाई सोचा कर ही दें, इसके अंदर से भी स्प्रे मार देते हैं। हो चुका भाई देखो, और गाइस अब इसको कपड़े से प्रॉपर क्लीन कर लेता हूँ। इस पर भी कुछ मैग्नेट्स वगैरह लगे हुए हैं, देखो गाइस चमक चुका है अभी। अब इसको ढंग से साफ करके इसको भी इंस्टॉल कर दे। सो गाइस अब लास्ट जगह है ऑयल ड्रेन की, जो है ऑयल फिल्टर, तो इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा ही आएगा गाइस क्योंकि बाकी हम ड्रेन कर चुके हैं। 8 नंबर के दो बोल्ट्स हैं इसमें, फटाफट से खोल लेते हैं। गाइस टूल्स अच्छे यूज करना क्योंकि ये सब नट्स काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इन वैसे कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाए, इसलिए आप टूल्स अपने बेस्ट क्वालिटी के यूज़ करना हमेशा, कि बाई चांस स्लिप हो गया तो इंजन के नट्स गाइस प्रॉब्लम आती है। गाइस थोड़ा ही निकलता है यहाँ से ऑयल, क्योंकि अब इसका ऑयल फिल्टर निकालते हैं, तो एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा अपने को। तो गाइस ऑयल फिल्टर बाहर आ चुका है, देखो देखो भाई बहुत गंदा है, ऑयल की कुछ ऐसी हालत थी, तो इसको इसी में घेर देते हैं गंदे ऑयल में ही। अब इसको यहाँ से प्रॉपरली निकलने देते हैं और फिर न्यू ऑयल फिल्टर डालेंगे इसमें, थोड़ी देर ड्रेन होगा तो ड्रेन होने देते हैं। तो गाइस हमने ऑयल फिल्टर की कैप पूरी क्लीन कर ली है देखो, अब इसमें न्यू ऑयल फिल्टर क्लीन करेंगे डालेंगे। इससे पहले गाइस हमें ये एक साफ कपड़े से ये पोर्शन साफ करना होता है, तो ये आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉपर ऑयल इसका ना, इसका जो भी बच रहा होता है यहाँ पे वो सब अच्छे से साफ करना होता है। तो देखो यहाँ से दिखाओ अंदर, ये देखो गाइस इसको पूरा ऐसे प्रॉपरली साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ऑयल गाइस फिल्टर होता है, तो पुराना ऑयल नहीं रहना चाहिए इसमें। मैंने देखो गाइस पूरा प्रॉपरली साफ कर दिया है, देखो अब न्यू ऑयल फिल्टर लगाने वाले हैं इसमें। ये देखो गाइस ये मैं KTM से ही लेके आया था, इसका देखो 79 रुपीज़ MRP आपको दिख रही होगी, तो मैं न्यू KTM से ही ले आया था, ऐसा कुछ दिखता है फिल्टर गाइस, क्योंकि हम ऑयल डालने ही वाले हैं और यहाँ से ऑयल फिल्टर होगा, तो मैं इधर कोई ऑयल नहीं लगाने वाला, इसको मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करूँगा। ये देखो ये जस्ट ऐसे लगता है, और इसमें एक साउंड आएगी आपको देखना, ये देखो अब ये फिक्स हो चुका है गाइस, क्योंकि इसमें रबड़ है वो लॉक होती है, तो अब ये फिक्स हो चुका है। अब इसकी कैप लगानी है और गाइस इसके बाद हमें न्यू ऑयल अपनी बीस में डालना है। सो गाइस ऑयल प्रॉपरली ड्रेन हो चुका है तीनों जगह से जो आपको मैंने दिखाया था। देखो गाइस ऑयल की कंडीशन देख लो आप, ये देखो इधर लाइट नहीं है, इधर दिखा दो गाइस, देखो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ऑयल। गाइस तीनों जगह से हमने ड्रेन कर लिया है, ऊपर वाला नट भी खोल लिया है, देखो बाकी सब हमने प्रॉपरली टाइट कर दिया। तो गाइस ये अपना ऑयल मोटल 7100 जो फुली सिंथेटिक आते हैं, देखो इसमें लिखा भी है फुली सिंथेटिक। तो गाइस इसको अब अपनी बाइक में डालना है, और उसके बाद मेरे को एक थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करनी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, थ्रॉटल बॉडी के लिए टैंक वगैरह सब उतारना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी एयर फिल्टर तो मैंने डाल ही दिया था इसमें पहले, और एक फ्यूल फिल्टर है ये भी टैंक के नीचे ही है, तो इसको भी यहीं से डाल देंगे, दिख रहा होगा आपको, तो फ्यूल फिल्टर भी डाल देंगे। तो गाइस अभी इसमें न्यू ऑयल डालते हैं, और उसके बाद एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा कुछ इंजन की साउंड में कोई चेंज आया या नहीं आया। सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं, तो देखो अभी पूरा प्रॉपर ऑयल ड्रेन हो चुका है, देखो बिल्कुल खाली दिख रहा होगा, अब न्यू इसमें ऑयल डालेंगे। सो गाइस ये रहा अपना मोटोल 7120/50, ये देखो ये 1 लीटर है और 1 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, तो गाइस इसकी सबसे पहले हटा लेते हैं। ये देखो हट गया गाइस, ये रेड कलर का होता है, देखना अब करते हैं धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि अपनी कीप वैसे जो
इतनी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बड़ी होनी चाहिए थी। अब इसमें ऑयल देखो जा रहा है गाइस, 1.7 लीटर के करीब जाएगा। तो आपको दिखा दूंगा प्रॉपर मेजर करके, क्योंकि मार्किंग रहती है गाइस इस बॉटल में भी, जो ऑयल की कैन होती है इस पर मार्किंग होती है, तो उसे देख के हम एक्यूरेसी से डाल देंगे। 1 लीटर तो फिलहाल ये वाला तो कैन पूरा डालना है, तो इसको पूरा डाल देते हैं, अगले वाले में मेजर करके डाल देंगे। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत तगड़ी होती है, रेड कलर का ऑयल होता है, और परफॉर्मेंस भी मैंने सुना है इससे काफ़ी अच्छी होती है। बाकी वो तो आपको थोड़ा सर्विस के बाद का रिव्यू दूंगा, अभी तो फिलहाल आज सर्विस कर ही रहे हम। ये देखो पूरा डल चुका है गाइस, बट अभी लेवल में नहीं आया, आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया ऑयल गाइस, एक पूरा डल चुका है, दूसरा डालना है। इसमें से 700 ml ही डालना है गाइस, तो इसमें अभी डालते हैं, तो धीरे धीरे डालते हैं, लेवल चेक करते रहेंगे बीच बीच में। ऐसे देख लेंगे गाइस कितना बचा है। ये देखो अभी 200 ml ही डाला है, अभी स्कैन में हमें बस 300 ml छोड़ना है, 1 लीटर का है, 700 ml बाकी इसमें बाइक में डालना है अपनी में। अभी इसमें बचा है 600 गाइस, हमें इतना तो छोड़ना है बस। इसमें ऑयल लेवल भी दिखने लग गया है, ये देखो गाइस दिख रहा होगा 450 हो चुका है, बस हमें इतना तो छोड़ना है। देखो नीचे जमीन में रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अभी 300 थोड़ा सा और बचा है, 50 ml और अपने को डालना है। हो गया बस गाइस, देखो 300 ml ही बचा है, देखो बस इतना ही छोड़ना था। और गाइस ये देखो अपने, देखो लेवल में भी दिख रहा है प्रॉपर रेड ऑयल, आपको दिख रहा होगा पूरा भर चुका है, क्योंकि पैडॉक पे जैसे ज्यादा दिखा रहा है, ये पैडॉक पे थोड़ी सी बाइक लिफ्टेड होती है, तो अभी इसे नीचे उतारेंगे तो दिखाएंगे। देखो गाइस रेड दिख रहा है, पूरा न्यू ऑयल है। तो अब इसको फटाफट से इसको बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ऑयल तो अपना चेंज हो चुका है, ड्रेन करके आपको दिखा दिया था क्या कंडीशन थी क्या नहीं। अब न्यू वाला ऑयल भी डल चुका है, थोड़ी देर स्टार्ट कर दी थी, पूरा रेड हो गया था, अब ऑयल ऊपर जा चुका है, तो थोड़ी देर स्टार्ट की थी इसलिए। गाइस अब इसका टैंक वैंक उतारूंगा, फ्यूल फिल्टर और इसकी थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करनी है। तो गाइस आपको अब टाइम लैप्स में दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपने फोन को माउंट करता हूँ और आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। सो गाइस पूरी बाइक की सर्विस हो गई थी यार, हम थ्रोटल बॉडी वगैरह करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पीछे का फ्रेम वगैरह अलग करना पड़ा था इसलिए। तो थ्रोटल बॉडी भी हो चुकी है, अब मैं आपको कल इसके साउंड सुनाऊंगा, क्योंकि अब नाइट हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, तो यार सब सो रहे होंगे घर में, इसलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा इसको, कल स्टार्ट करेंगे। बस एक मेन काम कर देते हैं, देखो जैसे हम ओडोमीटर पर जाते हैं ना अपने, तो इसके जीरो जो सर्विस आ रही है ना, इस पर हम अगर सेट वाले बटन को दबा के रखेंगे, ये देखना, तो ये सर्विस का एरर रीसेट हो जाएगा, इसको हमें दबा के रखना थोड़ी देर तक। ये देखो 7500 आ चुका है, अब नेक्स्ट सर्विस होगी अपनी 7500 पे। तो भाई यही था कुछ आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसका सर्विस के बाद कैसी चल रही है और कैसी आवाज आ रही है इसकी, वो सब मैं आपको सुनाऊंगा। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।